सेना के निर्णय पर सवाल उठाकर विपक्ष के नेता कहीं दुश्मन देश को जाने अनजाने में मदद तो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में पिछले 3 से 4 दिनों में बवाल देखने को मिल रहा है। खास करके अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का साफ तौर से कहना है कि ये जो योजना है वो छात्रों के विरोध में है। ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसे वापस लेना चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार से 20 सवाल पूछे हैं और इन सवालों के जवाब मांगे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब जवाब दिया गया है और जवाब भी कुछ ऐसा वैसा नहीं। आपको बताएं कि बीजेपी ने तेजस्वी यादव को देश विरोधी बताया है और यह कहा है कि कहीं तेजस्वी यादव अपने विरोधियों का समर्थन तो नहीं कर रहे। ऐसे में क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रवक्ता रामसागर सिंह का, सुनवाते हैं। विश्व में युद्ध की बदलती हुई रणनीति को देखते हुए 89 से ही भारतीय सेना इस पर मंथन कर रही थी। लगातार मंथन के बाद और अनेक देशों के इस तरह की योजनाओं का अध्ययन करने के बाद सेना ने निर्णय लिया है अग्निपथ योजना लागू करने का। ये निर्णय सेना का है, सहमति जरूर सरकार की है। सेना के निर्णय पर सवाल उठाकर विपक्ष के नेता कहीं दुश्मन देश को जाने अनजाने में मदद तो नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी चीन के साथ दोस्ती निभा कर करके भारत का जो हश्र किए थे वो सबके सामने है। आज राहुल गांधी भी चीन के साथ गलबहिया कर करके और इस तरह के सेना के आवश्यकता के अनुरूप लिए गए निर्णय पर सवाल उठाकर कहीं चीन जैसे दुश्मन देश को मदद तो नहीं कर रहे हैं, ये सवाल अब जनता के द्वारा उठाया जा रहा है। ये सवाल वाजिब है। इतनी अच्छी योजनाओं को जो सेना के जरूरत के मुताबिक बनाई गई है, देश के आवश्यकता के अनुसार बनाई गई है, इस योजना से कहीं युवाओं को अलग थलग करने का कुचक्र तो नहीं विपक्ष के लोग रच रहे हैं। इस बात को युवाओं को समझना पड़ेगा। देश हित में सेना के लिए गए निर्णय के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि सेना कभी भी देश के खिलाफ निर्णय नहीं ले सकती है, जवान के खिलाफ निर्णय नहीं ले सकती है। ये सेना के द्वारा लिया गया हुआ निर्णय है, न कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया हुआ निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, लेकिन सेना का निर्णय का विरोध कर करके कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भारत के साथ, देश के साथ अपराध कर रहे हैं। और कभी देश की जनता आपको इस तरह के अपराध के लिए माफ नहीं करेगी। तो बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव देश विरोधी काम कर रहे हैं। सेना का ये फैसला है और यही वजह है कि जिस प्रदर्शन को लेकर बिहार के छात्र इस वक्त उग्र नजर आ रहे हैं, उन्हें शांत करने के बजाय तेजस्वी यादव उन्हें और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव देश के खिलाफ जाकर जो कदम है वो उठा रहे हैं। ऐसे में आगे आरजेडी की तरफ से क्या कुछ पलटवार बीजेपी पर किए जाते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन इस वक्त बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, जहां पर तेजस्वी यादव को देश विरोधी कहा गया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।